एक ऐसी ऐप जिससे कि बिना पैसे लगाए 1000 रुपए हर रोज के कमा सकते हैं। उस ऐप के बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आस्था एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ जोश मनी। अब आज की वीडियो में हम एक ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जिसमें हम बिना किसी इन्वेस्टमेंट से दिन के 1000 रुपए तक कमा सकते हैं। मैं यहां पर बात कर रही हूं क्रेडिट कोड ऐप की। चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इस पर अकाउंट बनाना होगा। तो जैसे ही हम एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, वहां पर हमें कुछ परमिशंस को अलाउ करना होगा एंड आई एग्री पर क्लिक करना होगा। उसके बाद लॉगिन के लिए मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और उसके नीचे साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि हम पहली बार ऐप पर जा रहे हैं तो हम साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही हमें कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है, जैसे कि मोबाइल नंबर एंड ईमेल। फिर अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो वो एंटर यहाँ पर कर दीजिए, वरना फिर सीधा साइन अप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको हम यहां पर एंटर करेंगे। मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद हमें ईमेल वेरिफिकेशन करना होगा और जो ईमेल आईडी हमने डाली हुई है उस पर हमें एक लिंक आ जाएगा। मेल में जाकर हमें लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करके हमें मेल को वेरीफाई करना होगा। अब जानते हैं कि हम इससे पैसे आखिर किस तरीके से कमा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें KYC वेरिफिकेशन करना होगा। क्योंकि अगर हमें पैसे अपने बैंक अकाउंट में चाहिए तो उसके लिए KYC वेरीफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए उसको भी जान लेते हैं। इसके लिए आपको क्लिक करना होगा माय अकाउंट पर। यहाँ पर दिख रहा है KYC पेंडिंग, उस पर क्लिक करते ही हमें पैन के अकॉर्डिंग नेम, जेंडर, एनुअल इनकम, करंट ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा एंटर करना होगा। अब सब कुछ एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे वेरीफाई पर और वेरीफाई करते ही हमारा अकाउंट क्रिएट एंड KYC वेरीफाइड हो जाएगा। चलिए अब इसमें अर्निंग के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जिनके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर जिन्हें किसी भी तरीके के बैंक अकाउंट की जरूरत है। तो आपको अपनी आईडी से क्रेडिट कार्ड और लोगों के बैंक अकाउंट्स खोलने हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम बैंक्स के ऑप्शन मिल जाएंगे और इस ऐप के थ्रू आप किसी का भी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। किसी के एक अकाउंट खोलने पर ही आपको 300 से 400 रुपए की कमीशन मिलेगी। इसके साथ ही साथ आप किसी के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी के लिए डीमैट अकाउंट को ओपन करा सकते हैं और हर एक अकाउंट पर आपको 300 से लेकर 400 रुपए तक मिलेंगे। इसमें आपको ना कहीं बाहर जाना है, ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। सिर्फ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या फिर नियर बाय में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है जिनको बैंक अकाउंट या फिर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड की जरूरत हो। अब जैसे लेट्स से कि आपको किसी का कोटक बैंक में अकाउंट ओपन करना है, तो आपको बैंकिंग सेक्शन में कोटक बैंक को चूज करना होगा और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें एक अकाउंट ओपन करवाने पर 320 रुपए की कमीशन मिलेगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं शेयर लिंक का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, तो वो लिंक हम किसी के साथ सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर कर सकते हैं और जो भी आपके इस लिंक से अकाउंट ओपन करेगा आपको पर अकाउंट 320 रुपए मिलते रहेंगे। इसमें आप किसी का भी कोटक बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमारे लिंक से कितने लोग ओपन करवा रहे हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लीड्स वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने आपके लिंक के थ्रू बैंक अकाउंट को ओपन करवाया है और इसमें आपकी जितनी भी अर्निंग होगी वो भी आपको माय अर्निंग वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। अब इसके साथ ही साथ आप इस ऐप को शेयरिंग करके भी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि जब आप किसी को ये ऐप शेयर करेंगे तो उनके पास एक रेफरल कोड चला जाएगा और जैसे ही वो आपके लिंक से ये ऐप डाउनलोड करेंगे और अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपको उसका भी 10% कमीशन जो है वो मिलता रहेगा। और वेल, ये कमीशन सिर्फ वन टाइम नहीं होता है, ये कमीशन लाइफ टाइम आपको मिलता रहेगा। इस तरीके से आप इस ऐप से बहुत सिंपल से तरीके से पैसे कमा सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। इसके अलावा जो भी अर्निंग होती रहेगी उसको आप अपने अकाउंट में ऐड करवा सकते हैं। तो वेल, आप भी ऐसे किसी ऐप के थ्रू पैसे कमा रहे हैं तो वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।